सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई तन। डोंट वरी आलिया, आई नो तुम अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करोगी और ना ही उनका रिश्ता। पूरी फैमिली ने मिलकर उन्हें एक तो कर दिया लेकिन आई नो तुम अकेली ही काफी उन्हें अलग करने के लिए। उनकी शादी भले ही हो गई हो लेकिन आई नो तुम ये शादी ज्यादा टाइम नहीं चलने दोगी। तुम दोनों में ना हमेशा पिछली बातों को लेकर बैठी रहती हो। तुम लोग ना मेरे साथ में चलो, नीचे चलकर देखो कि क्या हो रहा है। अरे दूसरी शादी, दूसरी नहीं तीसरी, नहीं शायद दूसरी, अरे जो भी है लेकिन शादी होने जा रही है। क्या शादी? पूरब दोबारा शादी कर रहा है? पूरब का एक बार शादी करके मन नहीं भरा क्या जो दोबारा कर रहा है? अरे पूरब नहीं, अभी प्रज्ञा से दोबारा शादी करने जा रहा है। ये महा शादी ना, इसका साक्षात्कार तो नसीब वालों को ही होने वाला है। तो मैं तो चली देखने के लिए, तुम दोनों भी आ जाना। हाँ ये मुन्नी ऐसा कैसे कर सकती है? भाई को थोड़ी ना पता है कि वो मुन्नी है, प्रज्ञा नहीं। हाँ लेकिन हमें तो पता है ना, और अगर हमें पता है तो हम ऐसा कैसे होने देंगे? यू आर राइट तनु, हमें ये शादी नहीं होने देनी चाहिए। अगर उस गवारन की शादी भाई से हो गई तो वो खुद को घर की मालकिन समझने लग जाएगी और सबसे पहले तुम्हें और मुझे इस घर से बाहर निकालेंगे। हमें इस नकली प्रज्ञा को असली प्रज्ञा बनने से पहले रोकना होगा। मिताली इधर आ। दासी मीना, इन्हें अभी बुलाना था मुझे, ये मेरे सारे काम खराब कर देती है, जासूसी भी खराब करके रखती। दीदी ये दिन तो फैमिली के लिए एकदम खास हो गया है। हम बर्थडे मनाए या ना मनाए, किसी की एनिवर्सरी मनाए या ना मनाए, ये दिन तो हम जरूर मनाएंगे। अरे मैं तो वो दिन मनाऊंगी जब ये मुझे कोई आने वाली खुशखबरी सुनाएंगे। मैं वादा करता हूँ हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। और हर खुशी और गम हम मिलकर बांटेंगे।